नीट नतीजों के बाद से ही देश में हंगामा जारी है। यूपी के औरैया में भी छात्रों ने नीट परीक्षा का पेपर आउट होने और धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। ये नीट परीक्षा का पेपर आउट होने के विरोध में यूपी के औरैया में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन है। छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की। नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस उद्देश्य से लेके हम सारे लोग आए हैं, हमारे संगठन वाले आए हैं। पेपर लीक हुआ, ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं और पेपर लीक करवा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो। तो अब क्या मांग है सरकार? सीबीआई जाँच होनी चाहिए। एक और जहां नीट 2024 की परीक्षा को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है, वहीं लखनऊ की आयुषी अपने नतीजों को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई। 4 जून को जारी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे आने के बाद से ही हंगामा जारी है। कई छात्र सफलता का जश्न मना रहे हैं तो कई छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नतीजे को लेकर लखनऊ को नीट की ओर से जवाब दिया गया है कि ओएमआर शीट डैमेज होने के चलते उनका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। एक तो प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, जब मैंने लॉग इन किया अपने एप्लीकेशन नंबर से तो इसमें दिखा रहा था रिजल्ट नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि हो सकता है 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक घंटे बाद मेरे पास एक मेल आता है कि मेरी ओएमआर शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिजल्ट अवेटेड है, वो रिजल्ट शो नहीं कर सकते, उनको स्किप कर दिया रिजल्ट।